अग्निपथ योजना को लेकर किसानों की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्रीय एक मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम संबोधित एडीएम को सौंपा। आइए आपको भी दिखाते हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध लगभग सभी राजनीतिक दलों की ओर से किया गया। इसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल भी एक साथ खड़ा दिखाई दिया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र शाह के नेतृत्व में पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, यहां प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन अपर जिला अधिकारी रामजी मिश्र को सौंपा। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से किसानों द्वारा प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने 5 मांगों को शामिल किया, जिसमें अग्निपथ योजना को तत्काल और पूरी तरीके से रद्द किया जाए, इस योजना के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, बकाया 1,25,000 वैकेंसी और इस वर्ष होने वाले लगभग 60 पदों पर पहले की तरह नियमित भर्ती तत्काल शुरू की जाए, जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उसे पूरा किया जाए, पिछले 2 साल भर्ती न होने के एवज में युवाओं को सामान्य भर्ती की आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाए, किसी भी भर्ती के लिए आवेदकों से ऐसा हलफनामा लेने की शर्त न रखी जाए जो उन्हें लोकतांत्रिक प्रदर्शन से अधिकार से वंचित करती हो। अग्निपथ विरोधी प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और आंदोलनकारियों को नौकरी से बाधित करने जैसी शर्तें हटाई जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। अच्छा, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तकुनिया पार्क में और ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं, किन मांगों को लेकर? जी, वो अग्निपथ योजना सरकार लेके आई है। सरकार का मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अपने हठधर्मता पे हैं, वो भी किसी भी शर्त मानने को तैयार नहीं है, तो मजबूरन भारतीय किसान यूनियन को आगे आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने युवाओं पर मुकदमे लगाना शुरू कर दिए और युवाओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। इसलिए भारतीय हमारे टिकैत साहब का आदेश है, कब हम बुड्ढे आगे आएँ और युवाओं को पीछे करें और अपने युवाओं की लड़ाई लड़ें।